नमस्ते दोस्तों, रुपेश की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन शोरबा, तो ये रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मटन शोरबा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम प्याज लिए, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया था, और 2 टमाटर लिए थे जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, वैसे भी ये हमें पीसने हैं। और ये मैंने लिए हैं लहसुन, अदरक और 5 हरी मिर्ची और 5 लाल मिर्ची। तो इस मिर्ची को इस टमाटर के साथ हम पीस लेंगे। यहाँ पर कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है, इसमें मैंने डाल दिया सरसों का तेल। इसमें मैं डाल दूंगी मसाले, तेल गरम होते ही। तेल हमारा गरम हो चुका है, मैं इसमें डाल लेती हूँ मसाले। इसको हम भुनने देते हैं 1 मिनट, मसालों में से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। मसाले मेरे भुन चुके हैं, मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखिए प्याज जो है ना हमारी हल्की हल्की ब्राउन होने लग गई है। इसके साथ हम अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट ये भी डाल देंगे, ये भी साथ में भुन जाएगा। तो मसाले को अच्छे से भून लेना, शोरबा उतना ही अच्छा बनेगा मसाला अच्छा से भुनेगा तो। तो देखिए ये प्याज, अदरक लहसुन, हरी मिर्ची का जो हमने ये डाला था ये सारा भुन चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। ये टमाटर और मिर्ची मैंने पीस रखी थी लाल वाली, इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पर कुछ मैं मसाले डाल रही हूँ। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ये कलर वाली मिर्ची है, आधा चम्मच से कम हल्दी। इसको हम सभी को मिक्स कर लेते हैं। मैं फिर से इसमें थोड़ा सा पानी और गिर दूंगी। पानी डाल डाल के अच्छे से इसको पकाना है मसाले को। मसाले को पकते कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं पकने में। यहाँ पर डाल रही हूँ मैं नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं। मसाले को भूनना ही मेन होता है कोई भी सब्जी बनाओ। तो मसाला देखिए लगभग मेरा भून चुका है, इसको मुझे काफी देर होगी भूनते भूनते। कम से कम 17 से 18 मिनट मैंने इसको भूना है लगातार, और 3 बारी पानी डाला है मैंने इसमें। और देखिए ये मसाला बढ़िया से भून चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी मटन। मटन मैंने यहाँ पर 1 किलो ले रखा है, उसी के हिसाब से मैंने आपको मसाले बताए हैं। इसमें मटन डाल देते हैं। इसको मटन को हमें मसाले के साथ भी अच्छे से भूनना है। ये देखिए तो इसको भी हमें 1 मिनट हो चुका है भूनते भूनते। इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसमें एक सीटी लगा देंगे और पानी हमने नहीं डालना और गैस को आपने मीडियम कर देना। एक सीटी लगने के बाद फिर चेक करेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। एक सीटी मैंने लगा चुकी थी, मैं प्रेशर को हम निकाल देते हैं। तो मटन को चेक कर लेते हैं। देखिए पानी मैंने इसमें डाला नहीं था क्योंकि मटन में से पानी लगा निकला था, उसी में मैंने एक सीटी लगा ली थी। अब इसको हमें अच्छे से भूनना है। गैस को कर देते हैं ऑन। तो इसको हमें अभी भूनना है जब तक ये मटन का जो पानी है हमारा सूख नहीं जाता। तो ये देखिए कितना बढ़िया जो है कलर निकल के आ गया है इसका। इसको हमने एक मिनट और भूनना है क्योंकि मटन शोरबा उतना ही टेस्टी बनेगा ये। और गैस को आप फुल तेज पे आप भूनना है इसको। तो भूनते भूनते लगभग हमें इसको 5 मिनट हो चुके हैं। इसमें हम पानी डाल देंगे और पानी हमने गर्म कर रखा है, गर्म पानी डालना है इसमें, ठंडा पानी नहीं डालना। इसके बाद हम इसमें 2 सीटी और लगा देंगे। मैंने इसको काफ़ी अच्छे से भून लिया है, बढ़िया। और एक एक मिनट पे मैं इसे चलाती रही हूँ ताकि जो मसाला जो है हमारा नीचे जले ना। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। पानी आप जैसा रखना चाहे वैसा डाल देना, मैं अपने हिसाब से पानी डाल रही हूँ इसमें। क्योंकि शोरबा जो है ज़्यादातर पतला ही होता है उसकी ग्रेवी। तो इसमें लगा दूंगी मैं 2 सीटी क्योंकि 1 सीटी मैंने पहले लगा चुकी थी मैं। तो यहाँ पर मेरी 2 सीटी लग चुकी हैं और कुकर का जो प्रेशर है निकल चुका है। इसको अब हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा शोरबा कितना अच्छा मटन शोरबा बनके तैयार हो चुका है। मैंने डाल दी है इसमें हरी मिर्ची छोटी छोटी चॉप करके। इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले से खुशबू बहुत बढ़िया आएगी, लास्ट में ही डालना है आपने। तो देखिए मटन जो है हमारा बिल्कुल गल चुका है जैसा हमें चाहिए था, बढ़िया एकदम गल चुका है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। इसको हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ऐसे ही, इसमें रंगत आ जाएगी 2 मिनट के बाद। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया निखर के आया है और शोरबा मटन शोरबा बनके हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो अगर मेरी वीडियो आपको मटन शोरबा की अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही वीडियो मैं आपसे पहुँचाती रहूँगी। तब तक मुझे विदा दीजिएगा, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।